ब्रिटेन ने रचा 50 साल पहले वाला इतिहास, भारत के कदम ने कर दिया मजबूर, खालिस्तानियों के ऊपर भारत ने करके हमला लहरा दिया तिरंगा, भारत के चरणों पर आकर मांग रहा है ब्रिटेन भारत से माफी, भारत ने ब्रिटेन को दिखा दी उसकी औकात, जिस तरीके से भारत को ले रहा था हल्के में, भारत के एक कदम से आ गया घुटनों पर, खालिस्तानी नेटवर्क पर भारत का हल्ला बोल शुरू। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले जो खबर निकल कर आई थी, वैसी ही खबर 50 साल पहले भी निकल कर सामने आई थी। 1973 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे छापा था और इस खबर में बताया गया कि लंदन के अंदर एक एम्बेसी यानी कि दूतावास था, जिस पर दो हमलावरों ने अटैक किया। उन दोनों ही हमलावरों को लंदन पुलिस ने मार गिराया। ये किसका दूतावास था? दरअसल ये वही एम्बेसी है जिस पर अब से कुछ दिन पहले खालिस्तानी एलिमेंट्स ने लंदन के अंदर अटैक किया था। अब से 50 साल पहले भी इस पर एक अटैक किया गया था और तब ये अटैक दो पाकिस्तानी युवकों ने किया था और ये अटैक इतना भयानक था कि इसमें भारत के कई सारे डिप्लोमेट भी गंभीर रूप से घायल हुए। यहाँ तक कि खुद को बचाने के लिए दोनों हमलावरों ने भारत के घायल डिप्लोमेट्स को एज ए शील्ड भी इस्तेमाल किया। बाद में कई घंटों के बाद लंदन पुलिस आई और उन्होंने इन दोनों हमलावरों को मार गिराया। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि 50 साल पुरानी घटना हम आज क्यों बता रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि हाल ही में लंदन स्थित भारतीय दूतावास पर जो अटैक हुआ वो पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि 1973 के बाद से ऐसी घटनाएं हर कुछ सालों के बाद लगातार होती आई हैं। यहाँ तक कि अगर मैं आपको सारी घटनाएं बताने लगा तो ये वीडियो कम से कम 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के एम्बेसी के ऊपर लंदन में कितने अटैक हुए हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हमारी एम्बेसी को लगातार इतना निशाना बनाया गया, हमारे डिप्लोमेट्स पर इतने अटैक किए गए, इसके बावजूद कभी भी ब्रिटिश सरकार ने हमारे डिप्लोमेट्स को अतिरिक्त सुरक्षा देने के बारे में नहीं सोचा और इसी बात को भारतीय सरकार ने अपने ध्यान में रखा और एक बड़ा फैसला कर लिया है। आज की इस वीडियो में इसी बड़े फैसले के बारे में जानने वाले हैं और इस फैसले का ब्रिटेन के ऊपर किस तरीके का असर पड़ा है, जो ब्रिटेन आकर हमारे चरणों पर गिर गया। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में, तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। दोस्तों, आतंकवादी और अलगाववादियों को जवाब देने के लिए भारत ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल सीधी बना ली है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अब आतंकवाद या अलगाववाद का जवाब बातचीत या संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव के जरिए नहीं बल्कि सीधे मिलिट्री एक्शन से दिया जाएगा, जिसका असर हमने कश्मीर में साफ तौर पर देखा कि कैसे भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मिलकर चलाए गए ऑपरेशन के बाद कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या 30 से भी कम रह गई। लेकिन यहाँ पिछले कई दशकों से भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों का खात्मा करने के लिए काफी बड़े कदम उठा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अब भारत को एक अलगाववादी विचारधारा खालिस्तान का भी सामना करना पड़ेगा, जिसे पाकिस्तान का भी समर्थन मिला हुआ है। लेकिन भारत में अशांति फैलाने के लिए खालिस्तानी अलगाववादी बिल्कुल अलग नीति अपना रहे हैं, जिसका नमूना हमने हाल ही में देखा कि कैसे जब भारत के अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी का ऐलान किया गया, बिल्कुल वैसे ही लंदन और दूसरे देशों में मौजूद खालिस्तानियों ने भारतीय हाई कमीशन और एम्बेसी पर हमला करना शुरू कर दिया, जिनका जवाब देते हुए लंदन में भारत के हाई कमीशन ने सभी का दिल जीत लिया। भारतीय हाई कमीशन ने जवाब में ये बात साबित कर दी कि अब भारत की अखंडता और एकता को ना तो कोई विचारधारा हरा सकती है और ना ही इस तरह के अलगाववादी संगठन, जिसके तहत खालिस्तानियों द्वारा हमारे हाई कमीशन पर किए गए हमले के बाद बिल्कुल उसी बिल्डिंग पर एक विशालकाय भारतीय झंडा लहराया जा रहा है, जिसने सभी की बोलती बंद कर दी, क्योंकि खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स को ऐसा लगता था कि अगर वो भारत के एम्बेसी और हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे और भारत के तिरंगे का अपमान करेंगे तो भारत खालिस्तानियों के नेटवर्क पर अपना एक्शन बंद कर देगा। लेकिन भारत ने इसका उल्टा किया है, जिसके तहत अब ना भारत में खालिस्तानी अलगाववादियों पर बड़े कदम उठाए जाएंगे बल्कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी भारत बातचीत कर रहा है ताकि इन भारत विरोधी संगठनों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार खालिस्तान समर्थक ने जिस तरह से एक नहीं बल्कि कई अलग अलग देशों में भारत की एम्बेसी और हाई कमीशन पर हमला किया है, इसने पूरे भारत को चका दिया। सभी को इस बात का अंदाजा था कि अगर भारत में खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हमले सामने आ सकते हैं, जिसके लिए भारत तैयार भी था। लेकिन जब ऐसी घटना ब्रिटेन और यहां तक कि अमेरिका से सामने आने लगी तब हर कोई हैरान रह गया, जिसके बाद भारत को इस बात का अंदाजा हुआ कि खालिस्तानी समर्थकों का नेटवर्क असल में अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, जिससे निपटने के लिए हमें इन देशों का समर्थन लेना पड़ेगा, जिसके तहत भारत ने सभी देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी,
पर अभी भी सवाल ये था कि लंदन में भारत के हाई कमीशन पर हुए इतने बड़े हमले के बाद भी ब्रिटेन ने इस मुद्दे पर ना तो कोई बयान दिया और ना ही भारतीय हाई कमीशन को सुरक्षा प्रदान की, जिसने भारत को भी आग बबूला कर दिया था। और इसी के बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ब्रिटेन को हैरान कर दिया। भारत को इस बात का एहसास हुआ कि जहां एक तरफ ब्रिटेन में भारत के हाई कमीशन के सामने मामूली सी सिक्योरिटी भी नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के हाई कमीशन को वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट देता है। आपको बता दें कि ब्रिटेन और अमेरिका के हाई कमीशन दिल्ली में चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद है, जहां पर किसी आम आदमी को जाने की इजाजत भी जल्दी से नहीं मिलती। यहां तक कि भारत इन्हें इतनी सिक्योरिटी प्रदान करता है कि ऊंची दीवारों के बाद भी सड़कों पर फेंसिंग और बैरिकेडिंग की गई है, ताकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के हाई कमीशन की सुरक्षा को गारंटी की जा सके। लेकिन लंदन में भारत के हाई कमीशन पर हुए हमले के बाद भारत ने काफी इंतजार किया कि ब्रिटेन इस पर कोई ना कोई बयान तो जरूर देगा और इन खालिस्तान समर्थकों पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन भारत की सारी उम्मीदें टूट गई, जिस पर आग बबूला होते हुए भारत ने ब्रिटेन को सबक सिखाया और ब्रिटेन के हाई कमीशन के सामने से सारी बैरिकेडिंग हटा ली, जिसके बाद कई मीडिया एजेंसी जो इन हाई कमीशन के आसपास तक नहीं जा सकते थे उनके ठीक सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग करने लगे। यहां तक कि भारत ने इन्हें दी जाने वाली अतिरिक्त सुरक्षा को भी हटा दिया, जिसके तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार की आंखें खुल गई और उन्होंने भारतीय हाई कमीशन के सामने भारी सुरक्षा तैनात की। यहां तक कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया है कि वो भारतीय हाई कमीशन और स्टाफ की सुरक्षा को गारंटी करने के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, ताकि भविष्य में वायलेंस की ऐसी अनएक्सेप्टेबल घटनाएं सामने ना आए। जिससे अब ये बात साफ हो चुकी है कि हमें इन पश्चिमी देशों के डिप्लोमेट को वीआईपी ट्रीटमेंट देना बंद करना होगा, क्योंकि तभी इन्हें इस बात का एहसास होगा कि जो देश भी भारत के साथ जिस तरीके का व्यवहार करेगा उसके साथ भारत में भी उस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। भारत के उठाए इस कदम और ब्रिटेन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन पर लहराए गए भारतीय तिरंगे के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।